हेलो गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल इफ़ यू हैव लाइक माय वीडियो देन प्लीज टू लाइक सब्सक्राइब माय चैनल ओके सो टुडेस टॉपिक इज अबाउट जनरल रूल्स ऑफ एक्सेप्टेंस एक्सेप्टेंस के क्या रूल्स हैं जनरल रूल्स वो डिस्कस करेंगे आज हम सबसे पहला है इन केस ऑफ एक्सेप्टेंस बाय पोस्ट कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस इज कम्प्लीट एज अगेंस्ट द प्रोपोजल वन द लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस इज पोस्टेड तो पोस्टल कम्युनिकेशन की बात करें तो कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस कब कंप्लीट होता है जब लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस क्या करता है पोस्ट हो जाती है लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस जब पोस्ट कर दी जाती है बाय द एक्सेप्टर अगेंस्ट द प्रोपोजर तब कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस कंप्लीट होती है ये हमने लास्ट लेक्चर में भी देखा था इन डिटेल बात की थी इसके बारे में एक चीज़ और है इसमें अगर कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस हो रही है बाय पोस्टल तो उनका प्लेस और टाइम क्या होगा अगर एक्सेप्टेंस बाय पोस्ट हो रही है द प्लेस वेयर द लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस इज पोस्टेड इज द प्लेस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जिस जगह लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस पोस्ट की जा रही है वो होगा कॉन्ट्रैक्ट का प्लेस और टाइमिंग क्या होगी द टाइम ऑफ पोस्टिंग द लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस जिस टाइम लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस को पोस्ट किया जा रहा है वो होगा टाइम ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट ओके सेकेंड पॉइंट है इन केस ऑफ इनकरेक्ट एड्रेस अगर एक्सेप्टर ने एक्सेप्टेंस लेटर को डिस्पैच किया है पोस्ट किया है गलग, गलत गलत एड्रेस पे किसके गलत एड्रेस पे ऑफरर के गलत एड्रेस पे एक्सेप्टेंस लेटर को पोस्ट कर दिया है डिस्पैच कर दिया है तब यहाँ पे ऑफरर बाउंड नहीं होगा इसमें ऑफरर की गलती नहीं है क्योंकि इसमें गलती एक्सेप्टर की एक्सेप्टर ने गलत एड्रेस पे पोस्ट किया है एग्जाम्पल देखते हैं वन जैन को ये ऑफ़र है इसने एक लेटर प्रपोस्ट किया और ये थ्री चैन को एक्सेप्टर के पास रिसीव हो जाता है अब एक्सेप्टर ने फाइव चैन को क्या कर दिया है जो एक्सेप्टेंस लेटर है वो डिस्पैच कर दिया है पोस्ट पे डाल दिया गया है तो अब जो एक्सेप्टर है उसने फाइव चैन को जो एड्रेस डाला है ऑफरर का वो गलत डाल दिया है इनकरेक्ट डाल दिया है रॉन्ग डाल दिया है तो इसमें जो हमारा ऑफरर है वो बाउंड नहीं होगा इसमें गलती किसकी है एक्सेप्टर की राइट right? और केस अगर ऑफरर ने गलत एड्रेस बता दिया है खुद का ठीक है पुल से हो जाता है कभी तो अगर ऑफरेंड ने गलत एड्रेस बता दिया है खुद का तो तब एक्सेप्टर बाउंड नहीं होगा तब कौन बाउंड होगा तब ऑफर बाउंड होगा क्योंकि अब इस केस में ऑफरेंड ने गलत पता बताया ओके नेक्स्ट इज़ इन केस ऑफ डिले और नो डिलीवरी ऑफ एक्सेप्टेंस ऑफ लेटर इसका मतलब क्या हुआ कि अगर डिले डिले हो, हो रहा है या फिर डिलीवरी नहीं हो रही है एक्सेप्टेंस लेटर की तब कौन बाउंड होगा ये केस है कि कभी कभी क्या होता है कि जो एक्सेप्टेंस लेटर है जो पोस्ट करता है एक्सेप्टर वो ऑफरर के पास पहुंच ही नहीं पाता है या फिर डिले हो जाता है ट्रांजिट में तब तब भी कौन बाउंड होगा ऑफरर तब भी बाउंड कौन होगा ऑफरर क्योंकि इसने तो टाइम से एक्सेप्टेंस लेटर को पोस्ट पे डाल दिया था पोस्टेड कर दिया था लेट से यहाँ पे जो फिफ्थ जैन को जो एक्सेप्टर है उसने पोस्ट पे डाला था एक्सेप्टेंस लेटर को अब वो सेवेंथ जैन को ना पहुँच के ट्वेंटी एट्थ जैन तक पहुंचता है या फिर पहुंचता ही नहीं है या फिर स्टिल इन ट्रांजिट है तब भी कौन बाउंड है ऑफर क्योंकि लॉ कहता है कि जो एक्सेप्टर है उसने फिफ्थ जैन को एक्सेप्टेंस लेटर को डिस्पैच किया था यानी ऑन टाइम किया था फिर यहां पे डिले से फर्क नहीं पड़ता तो यहां पे कौन बाउंड होगा ऑफर दिस सिचुएशन इज नॉट अफेक्ट द वैलिडिटी ऑफ एक्सेप्टेंस नेक्स्ट कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस इन केस ऑफ एजेंट क्या है ऑफरर का एक एजेंट है उसने अब ऑफर का एजेंट है मतलब कि वो ऑफरर ही है क्योंकि वो उसके बिहाफ पे काम कर रहा है उसके प्रिंसिपल के बिहाफ पे काम कर रहा है एजेंट ठीक है अब बाय चांस एजेंट ने कोई ऑफर रखा एक्सेप्टेंस है वो कम्युनिकेट करनी चाहिए या तो फिर एजेंट को या प्रिंसिपल को दोनों में से कर सकते हैं किसी भी को लेकिन बाई चांस अगर एजेंट को कम्युनिकेट किया है अबाउट द एक्सेप्टेंस और एजेंट क्या है फेल हो जाता है कन्वे करना क्या एक्सेप्टेंस लेटर किसको प्रिंसिपल को लेट से uh, कि जो वो फिफ्थ मार्च फिफ्थ मार्च को एक्सेप्ट ने जो एक्सेप्टेंस लेटर सेंड की थी वो एजेंट को की थी ओके okay? अब एजेंट जो है वो भूल गया या फिर फेल हो जाता है अपने प्रिंसिपल को बताना कि जो एक्सेप्टेंस है वो रिसीव्ड हो गई है एक्सेप्टर से तो उस सिचुएशन में कौन बाउंड होगा स्टिल द प्रिंसिपल इज बाउंड फिफ्थ है एक्सेप्टेंस बाय टेलीफोन टेलेक्स और फैक्स अब हमने पोस्टल कम्युनिकेशन की तो बात कर दी है लेकिन अगर आप एक्सेप्टेंस टेलीफोन से दे रहे हैं टेलीफोन टेलेक्स या फैक्स से दे रहे हैं ये सब जो चीजें हैं ईमेल हो गई टेलीफोन फैक्स सेक्ट्रज दिस आर द इंस्टेंटेनियस मीन ऑफ कम्युनिकेशन इंस्टेंटेनियस मतलब क्या हो गया मतलब उसी टाइम साथ के साथ आपने सुना होगा इंस्टेंट इंस्टेंट मीन्स फास्ट दिस इज द फास्टेस्ट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन मीन्स वहां से ऑफर आया और यहां पे एक्सेप्टेंस दी तुरंत ओके okay. तो यहां पे क्या रूल्स है रिगार्डिंग द एक्सेप्टेंस वो हम पढ़ेंगे ठीक है वेन द एक्सेप्टेंस इज गिविंग थ्रू द टेलीफोन ई मेल फैक्स ये ई मेल मैंने दो बार दिखे हैं एक्सेट्रा कॉन्टैक्ट कम्स इन टू द एग्जिस्टेंस जब एक्सेप्टेंस फोन पे कन्वे हो रही है तो उसी टाइम क्या हो रहा है कॉन्टैक्ट कम्स इन टू एग्जिस्टेंस दूसरा है प्लेस क्या होगा बाई मीन्स ऑफ इंस्टेंटेनियस मीन्स ऑफ कम्युनिकेशंस द कॉन्टैक्ट इज मेड एट द प्लेस वेयर द एक्सेप्टेंस इज रिसिव्ड जहां पर एक्सेप्टेंस रिसिव की गई है वो वाली जगह आ, मैं क्या बन रहा है कॉन्ट्रैक्ट बिल्डअप हो रहा है फॉर एग्जाम्पल मैं ऑफर रह रहा है इस ऑफर ने कुछ ऑफर रखा और ये एक्सेप्टर ने यस yes कर दी तो कॉन्ट्रैक्ट का प्लेस क्या हुआ ये दो ओके दिस रूल इज नॉट एप्लीकेबल टू द नॉन इंस्टेंटेनियस मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन ये रूल जो है वो नॉन इंस्टेंटेनियस मीन ऑफ कम्युनिकेशन में अप्लाई नहीं होता है नॉन इंस्टेंटेनियस मतलब क्या हुआ पोस्टल कम्युनिकेशन ये रूल वहाँ एप्लीकेबल नहीं है ओके okay, ये ऑफरर है ये, ये एक्सेप्टर है ये राजस्थान में है ये दिल्ली में है अब ऑफरर ने ऑफर रखा इसने एक्सेप्टेंस दी तब एक्सेप्टेंस कब मानी जाएगी जब ऑफरर एक्सेप्टेंस को सुने जब ऑफरर एक्सेप्टेंस को वापस सुन लेता है तब यहाँ पे कंप्लीट होती है कॉन्ट्रैक्ट तब कॉन्ट्रैक्ट बिल्डअप होता है रेदर देन द एक्सेप्टर स्पीक्स द वर्ड ऑफ एक्सेप्टेंस अब यहाँ आपने इसने बोला कि हाँ मुझे मंजूर है और ऑफरर को सुनाई नहीं दिया कि एक्सेप्टर ने ये बोला है तब नहीं बिल्डअप होगा जब ऑफरर को पता चलेगा कि हाँ इसने ये वर्ड्स बोले हैं इसने बोला है, है यस तब यहाँ पे ये कंप्लीट होगा एक्सेप्टेंस कॉन्ट्रैक्ट बिल्डअप होगा तब कॉन्ट्रैक्ट कम्स इन टू द एग्जिस्टेंस आई होप आपको क्लियर हुआ होगा ओके थैंक यू